हाई एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल। तो आज हम 21 मई 2020 की इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वो देख लेते हैं। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस, फिर इंडिया नेपाल की जो न्यूज़ है, जो अभी नेपाल ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया है ना, जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, बाउंड्री डिस्प्यूट, इसराइल पैलेस्टाइन का हम इशू देखेंगे। लॉ एज वेपन जो एक एडिटोरियल है, तो वो मतलब जो एपिडेमिक एक्ट है और CRPC का जो सेक्शन 144 है, तो इसको एक तरह से कंबाइंड यूज़ हो रहा है इसका, तो उस पर है। फुलर सपोर्ट जो GDP है, 10% ऑफ GDP जो अनाउंसमेंट किया गया था उससे रिलेटेड है। कांट अवॉइड ubiquitous टेस्टिंग, ठीक है, तो ये भी है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल ये लिखा है उर्जित पटेल, जो फॉर्मर RBI की गवर्नर है, उनके द्वारा और एक और के द्वारा, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सेवरल साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्फान क्रॉसेस वेस्ट बंगाल एंड मूव टूवर्ड्स बांग्लादेश। दूसरा है रेलवे टू स्टार्ट 200 ट्रेन फ्रॉम June 1 एंड ऑनलाइन बुकिंग टू बिगेन एट 10 AM, ठीक है। तो ये कुछ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को भी रिज्यूम कर दिया है May 25 से, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डोमेस्टिक एयर ट्रेवल को जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ की लिस्ट थी उससे हटा दिया गया है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी एम्प्लॉयज़, तो उनको अभी ऑफिस अटेंड करने के लिए नहीं बोला गया है, वो एग्जम्प्ट होंगी उससे। एंड डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 डिफेंस आइटम्स फ्रॉम लोकल सप्लायर टू बूस्ट मेक इन इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थी, मैं ब्रीफली बताऊँगी, थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी भी देख लेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं ये नेपाल वाला इशू आपको बता देती हूँ, ठीक है। अभी ये जो नेपाल का आपको मैप दिख रहा है, पॉलिटिकल मैप, तो इसमें जो ये वाला अलग से ये रीजन दिख रहा है, ठीक है, अभी तक इतना ही था। अभी ये वाला रीजन भी नेपाल क्लेम कर रहा है, तो नेपाल इस क्लेम के साथ साथ मतलब ये बोल रहा है, वो एक 1816 का आपको पता होगा कि सुगोली ट्रीटी हुई थी, ठीक है। तो सुगोली ट्रीटी में वो ये बोलता है कि ये क्या है, जो यहाँ के काला पानी और लिम्पिया धुरा और लिपू लेक है और इसके अलावा जो काली रिवर का जो कुछ पार्ट है वो नेपाल को बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और जो एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे हमने ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। और ये सारे रीजन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, इस वाला ये जो पार्ट है ना नेपाल का, तो इसमें क्या क्या आते हैं, पार्वती कुंड, कूटी, ये काली रिवर है, और ये नायो गुंजी, ये गांव है कुछ, ठीक है, काला पानी, ये लिपू नदी है इधर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें आती हैं। अब दूसरी चीज़, और नेपाल ने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का जो कोरोना वायरस है वो इटली और चाइना के कोरोना वायरस से ज़्यादा लीथल है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब नेपाल ने हमें बोली है, मतलब वही है ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, या फिर जब जब हम मतलब जिसको जितना ज़्यादा मतलब फेवर करें वही हमें एक टाइम पे आके वो हमें क्या कर लेता है, मतलब धोखा ही देना हुआ इसे, है ना, यही कहते हैं। तो यही सब नेपाल हमारे साथ कर रहा है, मतलब ये चाइना के वर्ड्स हैं लेकिन नेपाल के द्वारा ये बोले जा रहे हैं, तो चाइना एक तरह से नेपाल को यूज़ कर रहा है। नेपाल को क्यों यूज़ कर रहा है चाइना, क्योंकि आपको पता होगा कि जब से मतलब जो चाइनी नेपाल में जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, KP ओली की सरकार बनी है, तो ये मतलब क्या है, ये थोड़ा प्रो चाइनीज़ ये गवर्नमेंट भी है, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि जब इनकी कुर्सी इनसे छिन रही थी तब जो चाइना है तो उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे इंटरवेंशन किया था, तो इस वजह से इनकी जो नेपाल की पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स, उसमें चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो इस वजह से ये इस तरह के स्टेटमेंट ये देते हैं, मतलब उससे इनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। और साथ में अगर इंडिया की बात करें तो यार हमारे उत्तराखंड में तो सबसे ज़्यादा नेपालियों का ध्यान रखा जाता है, मतलब ऐसे लगता है कि उत्तराखंड के भी पीपल से ज़्यादा जो नेपाली हैं उनको यहाँ शेल्टर दिया जाता है, फूड दिया जाता है, फ्री में यहाँ पे कुछ भी रहने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा अभी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने 23 टोन्स ऑफ इसेंशियल मेडिसिन नेपाल को सप्लाई की हैं, ठीक है। इसके अलावा 3,20,000 के करीब इन्होंने जो पैरासीटामोल है या फिर वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, तो वो भी एज अ गिफ्ट हमने दिया है। मतलब बाकी की जो कंट्रीज़ हैं, USA और बाकी और अदर कंट्रीज़, तो इनको तो हमने सेल किया है, मतलब बेची हुई है, लेकिन इनको तो हमने गिफ्ट ही किया है ना, तो उसके बाद भी ये बोल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ही इनसेंसिटिव ये इनका कमेंट है। और कि इंडिया के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिया के यहाँ पे कोरोना वायरस फैला रहे हैं, और साथ में ये चीज़ अभी ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे मतलब अपना ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये टेरिटरी हमें बिलोंग करती है, तो ये चीज़ है। दूसरा मैं ये बता देती हूँ चाइना का क्या इशू चल रहा है। तो
मैंने कल आपको सेक्टर वाइज बताया था कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मिडिल सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन हुई है, ठीक है, तो मिडिल सेक्टर आपको सीधा सीधा पता चल जाना चाहिए, अच्छा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में, वेस्टर्न सेक्टर में हुई है, दैट मीन्स जम्मू कश्मीर और से हिमाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे अक्साई चीन है, गलवन वैली हमेशा आपको देखने को मिलेगा, गलवन वैली इन वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे ही है, पोंगसोंग जो लेक है वो भी यहीं पे ही है, ठीक है, तो इस तरह से ये वाले जो है नाकुला पास आपको अगर बोलेंगे कि यहाँ पे हुआ है, तो ये सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश, दैट मीन ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है, नाकुला पास ईस्टर्न सेक्टर, नॉर्थ सिक्किम में ये पड़ता है, तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जानना ज़रूरी है, और अरुणाचल प्रदेश को भी मतलब जो काफ़ी सारी जो लैंड है वो चाइना क्लेम करता है कि उनकी है, क्योंकि ये साउथ तिब्बत का पार्ट है, ठीक है, तिब्बत को वो अपना चाइना का ही पार्ट मानते हैं, और यहाँ पे डोकलम ट्राइजंक्शन है, यानी कि ट्राइजंक्शन भूटान इंडिया चाइना, ठीक है, 72 डेज़ का यहाँ पे डिस्प्यूट चला था, इसके अलावा बस ये मतलब इनमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेस्टर्न सेक्टर क्या है, जम्मू कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश, एंड मिडिल सेक्टर हिमाचल टू उत्तराखंड, एंड ईस्टर्न सेक्टर सिक्किम टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये 1962 के बाद से जब वॉर हुआ था तब से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड टेरिटरी ये बन गई है, बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे बीच हो रहा है। अब देख लेते हैं न्यूज़पेपर, तो एयर स्पेस लॉकडाउन सम डोमेस्टिक फ्लाइट्स फ्रॉम मई 25, ये तो वही चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे चाइना वॉन्ट्स नेसेसरी काउंटर मेजर, ठीक है, तो चाइना क्या बोल रहा है कि श्योक एंड गलवान जो रिवर है, ठीक है, तो इससे 200 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ पोंगसोंग लेक, तो यहाँ पे मतलब हम अपना कुछ बिल्ड वगैरह कर रहे हैं इंडिया, है ना, तो जो कि सही नहीं है, क्योंकि जो गलवान इज़ नॉट अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अनलाइक पोंगसोंग, बोथ साइड एग्री ऑन द LAC, तो इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे कोई भी हम पेट्रोलिंग वगैरह नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो ये भी बता चुकी हूँ मैं, रोड रॉ ट्रिगर्स न्यू नेपाल मैप, इंडिया हिट्स बैक, ठीक है, थ्री ऑफ 4 किट्स लोकल एज इंडिया टेस्ट 1 लाख+ फॉर द सेकेंड डे। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, साइक्लोन अम्फान, तो साइक्लोन अम्फान जो है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ठीक है, जो कि मैंने बताया था आपको, जो हाथिया आइलैंड है बांग्लादेश का, और दीघा है वेस्ट बंगाल का, सागर आइलैंड है वेस्ट बंगाल का, तो यहाँ पे ये हिट करेगा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी है, क्योंकि ओशियन का जो टेम्परेचर है वहाँ पे क्या है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, तो इसलिए इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी ज़्यादा है, ठीक है, नेपाल में आप तो बता दिया, यही थी वो लाइन जो केपी ओली ने कोट की थी कि कोरोना वायरस कमिंग फ्रॉम इंडिया वाज मोर लीथल देन दोज फ्रॉम चाइना एंड इटली, ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बोली है, जबकि वहाँ पे अभी मतलब कितने 500 से भी कम केसेस हैं, 2 मौतें वहाँ पे हुई हैं। मास्क आरोग्य सेतु मस्ट एट वर्क, ठीक है, जो आरोग्य सेतु ऐप है वो क्या है, उसका मैंडेटरी यूज़ होगा, और ये सारी गाइडलाइंस कुछ दी थी कि 4 व्हीलर्स व्हीकल्स विल हैव मैक्सिमम 2 पैसेंजर बिसाइड द ड्राइवर, है ना, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, 10 साल के एज के कम बच्चे हैं, और 65 साल से जो ज़्यादा बड़े लोग हैं तो वो अलाउड नहीं होंगे बाहर उनको घूमना, शादी ब्याह जो होंगे 50 ही उसमें गेस्ट हो सकते हैं, फनरल जो होगा उसमें 20 गेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म है वो फॉलो किए जाएंगे, प्राइवेट ऑफिसेज जो है 50% की स्ट्रेंथ से वो ऑपरेट होंगे, फेस कवर कंपलसरी होगा, आरोग्य सेतु ऐप जो होगी मैंडेटरी होगी, लेकिन ऑल कंपेटेबल यहाँ पर टर्म्स दिया गया है मोबाइल फोन्स, ठीक है, इसके अलावा जो परमानेंट पेट मार्केटिंग है, मार्किंग मेड 6 फीट अपार्ट, ठीक है, ग्लव्स एंड मास्क जो होंगे कंपलसरी होंगे, शॉपकीपर्स को भी कस्टमर्स को भी मैंडेटरी होंगे, 5 से ज़्यादा लोग व्यक्ति जो है खड़े नहीं हो सकते, कस्टमर टू नॉट पार्क, ठीक है, तो जहाँ पे पार्किंग स्लॉट नहीं है वहाँ अपने वाहन जो है खड़े नहीं कर सकते, इसके अलावा ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी, मेट्रो रेल सर्विसेज, होटल रेस्टोरेंट, अदर हॉस्पिटल सर्विस, जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल्स, डाइनिंग सर्विस एंड रेस्टोरेंट्स, कैफेज़ एंड इटरीज, ढाबाज, स्पिटिंग पनिशेबल विद फाइन ऑफ 1,000, ठीक है, कहीं पे आपने स्पिट वगैरह किया तो 1,000 रुपीज़ पड़ेंगे फाइन। इन टाइम्स ऑफ कोविड न्यू पुलिसिंग रूल, तो यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं एस एन श्रीवास्तव, तो उन्होंने कुछ फ्रेश गाइडलाइन पुलिस के लिए मतलब 11 पेज का सर्कुलर इशू किया है वेंसडे को, तो उन्होंने बोला है कि माइक्रो ग्रुपिंग, बीट पेट्रोल, क्राउड कंट्रोल, प्रोटेस्ट साइट्स, अरेस्टिंग प्रोटोकॉल, रोल ऑफ SHOs एंड ACPs, ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ बोला है कि पुलिस पर्सनल को भी मास्क और ग्लव्स पहनने होंगे, और जो उनके वेपन्स हैं, एंटी राइड गियर हैं, ब्लिंकर्स हैं,
वो सब उनको डिसइनफेक्ट करना होगा टाइमली, ठीक है, बार बार करते रहना होगा, और अप्रोप्रिएटली रोटेटेड, मतलब जो भी 15 से 20% स्टाफ है वो उसको रोटेट बेसिस पे क्या करना होगा, कुछ को क्वारंटीन में भेजना होगा फिक्स पीरियड के लिए, बाकी फिर अवेलेबिलिटी करानी होगी एज अ रिक्वायरमेंट, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी। और जो SOPs है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स, तो वो भी क्या होने चाहिए कि लोग मतलब प्रोटेस्ट ना करें, अनएक्सपेक्टेड मॉब्स कहीं पे क्रिएट ना हो जाए, है ना, ये सारी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो ACPs हैं, दे शुड विजिट वन पुलिस स्टेशन डेली, कि वहाँ पे लोग नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे कांट अवॉइड यूबीक्यूटस टेस्टिंग, तो ये अमर्त्य लहारी एंड उर्जित पटेल जो RBI के फॉर्मर गवर्नर हैं, तो उन्होंने लिखा है, तो COVID-19 कुड डू फॉर अ बायोमेडिकल इंडस्ट्री व्हाट द Y2K स्केयर डिड फॉर द इंडियन IT सेक्टर। तो Y2K एक तरह से मतलब टू क्या है इसमें, 2000 का जो साल था तो उस टाइम पे ये Y2K क्राइसिस आया था, कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, मतलब डीलिंग विद डेट्स था ये और कंप्यूटर बग था ये, ठीक है। तो इसके बाद IT सेक्टर काफ़ी तेज़ी से मतलब इन्होंने डेवलपमेंट किया, काफ़ी ग्रो हुआ। तो अभी यही बोला जा रहा है कि COVID-19 को भी मतलब ऐसा करना चाहिए कि एटलीस्ट जो बायोमेडिकल इंडस्ट्री है वो तेज़ी से स्पाइक करे, सर्च हो, है ना, एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग की, तो ये चीज़ बोला गया है कि हमारे देश में ठीक है टेस्टिंग हो रही है ना, 1 लाख टेस्टिंग अभी हो चुकी है, तो लेकिन बहुत सारे जो मतलब पहले से मार्केट एक्टिविटीज़ है वो भी खुली रही है, लेकिन केसेस भी बढ़ रहे हैं साथ में, मतलब बहुत सारे सेक्टर तो जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेक्टर है जो हम रिकवरी जिसकी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो कौन सा है, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटलिटी। और टूरिज़्म हॉस्पिटलिटी जो है यहाँ पे करीब 40 मिलियन जो वर्कर्स हैं इंडिया के, ठीक है, वो हैं 40 मिलियन, और 40 मिलियन मतलब 10% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, 10% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। अब ये इनमें से भी मतलब वो लोग हैं ज़्यादा इफेक्टेड होंगे जो रेगुलर बेसिस पे जिनका मतलब रोटी पानी सब कुछ इसी से ही चलता था, अपना घर वो था इसी से ही। अब जैसे कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो ये शट डाउन हो गया है। अब जैसे आपने देखा स्विगी और ओला वगैरह है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके मालिक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन मालिक के साथ साथ यहाँ पे भी कुछ सफाई कर्मचारी भी थे, ठीक है, होटल में, इसके अलावा क्या थे जो लोगों को खाना वगैरह सर्व करते हैं वो भी थे, फिर कुछ लोग गेट कीपर जो गेट वगैरह में खड़े होकर लोगों को ग्रीट किया करते थे, तो इस प्रकार की जो जॉब भी थी, है ना, जिनको डेली वेजेस मिलता था इस वजह से, तो ये सब तो अभी होंगे ही नहीं, आने वाले कुछ सालों में हमें ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो एक तरह से जो जैसे लोग पहले शॉपिंग में जाते थे, डिनर करने जाते थे, बाहर वैकेशंस वगैरह पे जाते थे, तो इससे ही एक तरह से जो बिज़नेस इकोसिस्टम था, जीवन यापन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो एक तरह से चलता रहता था साइक्लिक वे में, है ना। लेकिन अभी क्या होगा, जब किसी चीज़ की डिमांड नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली आप फूड ऑर्डर नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहे हो, तो बिज़नेसेस जो होंगे धीरे धीरे करके वो शट डाउन ही तो होते जाएंगे ना। फिर इससे जो मतलब अगर इस चेन को हमने अगर फिक्स नहीं किया, टाइमली रिपेयर नहीं किया, तो काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान होगा। अब जो सरकार है, तो मतलब यहाँ पे उर्जित पटेल, इनका कहना है कि फिस्कल जो पैकेज है या फिर ये जो दिया गया है फिनेंशियल पैकेज, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, निराशाजनक ही था। इसमें जिस सेक्टर पे जो रिक्वायर्ड था कि आपको हेल्थ सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, उस पे तो ध्यान नहीं दिया गया है ना। पब्लिक जो पब्लिक हेल्थ सेफ्टी है उसके लिए मेजर लिए जाने चाहिए थे। अब इसमें दो चीज़ें बोली गई हैं कि अभी देखो द वायरस करंटली हैज़ नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड अ सेफ वैक्सीन इज़ पॉसिबली एयर अवे, ठीक है। तो अभी हमको कुछ पता नहीं है कि कब तक वैक्सीन इसकी आती है और कितने टाइम तक आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मतलब देखो कोई आदमी है, अगर उसको COVID-19 हुआ है, तो रिकवरी के बाद हमें ये पता नहीं चलता ना कि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम सही रहेगी या नहीं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, गारंटी नहीं है। अभी एक COVID-19 पेशेंट का मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उसमें वो बोल रहा था कि ही यूज़ टू बी रन लाइक मतलब मैराथन में भी वो दौड़ सकता था, लेकिन अभी वो एक थोड़ा सा अपने रूम से स्टेयर्स में जाता है तो ब्रेथलेस नेस फील करता है ना। तो ये सारी चीज़ें, इम्यूनिटी की गारंटी नहीं होती, उसके बाद आदमी बहुत वीक हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसका मतलब आप ज़्यादा ट्रैक नहीं कर रहे हो कि ठीक है आपके कोरोना जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, है ना, तो आप उसको क्या कर दिया है, फिर छोड़ दिया है ऐसे ही। बल्कि उसको क्या होना चाहिए, ही विल हैव टू कंटिन्यू टू बी टेस्टेड, मतलब उस पर्सन को आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए टेस्टिंग में, चाहे जैसे भी रिजल्ट आ रहे हैं, फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये भी एरर्स एक तरह से प्रॉब्लम ही है। अब इस दौरान क्या करना चाहिए, जैसे कि जो अब अभी अगर हम
शहरों में देखें तो करीब 200 मिलियन पीपल जो हैं अप्रॉक्सीमेटली वो अर्बन वर्कर्स हैं, ठीक है, अर्बन वर्कर्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम वर्क प्लेसेस की अगर सेफ्टी चाहते हैं तो हर एक कर्मचारी का एटलीस्ट एक हफ्ते में क्या होना चाहिए, टेस्ट जरूरी है, ठीक है, एक हफ्ते में होना चाहिए आने वाले फॉर द नेक्स्ट ईयर। एंड जब तक मतलब एटलीस्ट वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ये सारे नॉर्म्स जो हैं हमें करने चाहिए। और इस तरह से हमारे जो हो जाएंगे 21 टेस्ट हो जाएंगे पर 1000 पीपल, ठीक है। और अभी जो कॉस्ट है, अभी जो आपको पता होगा COVID-19 के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो मतलब जो सॉरी टेस्ट है वो कौन सा होता है, RT-PCR। तो RT-PCR में जो कॉस्ट है वो कितनी लगती है, 1000 के करीब है ना, 1000 से 2500 के करीब। लेकिन जब अब एक तरह से जब ये जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये सारे एक तरह से आएंगे, सब लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मास लेवल पे टेस्टिंग किट वगैरह रिलीज करेंगे, तो ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, मतलब 500 एक एस्टिमेट लेकर चलना चाहिए कि सरकार को 500 रुपये में उपलब्ध करानी चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जो मतलब कितना होगा, 2.5% ऑफ GDP होगा अगर पूरा हम ये टेस्टिंग प्लान वगैरह करके देखें। फिर यहाँ पे तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट बोली गई है वो लैब्स में बोला गया है, ठीक है। लैब अभी जो है 3 स्टेट में सेंटर्ड है, ठीक है, 3 स्टेट में ही लैब सेंटर्ड है, लेकिन होनी क्या चाहिए थी, पूरे देश में होनी चाहिए थी। और प्रत्येक लैब में क्या होना चाहिए था, एटलीस्ट 5000 सैंपल्स उनको टेस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ इसमें बोला गया है। तो अभी जैसे USA है तो USA ने क्या किया है, जो अपनी उनकी यूनिवर्सिटी हैं तो वहाँ पे भी रिसर्च को खूब बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो इंडिया को भी ये करना चाहिए कि एटलीस्ट जो भारत की जो यूनिवर्सिटी हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं, बायोमेडिकल सप्लाई चेन्स हैं, तो इन सबको एक जॉइंटली मिशन एक तैयार करना चाहिए ताकि हम एक चीपर और फास्टर जो टेस्टिंग मैथड्स हैं वो अपना सकें, है ना। इसके अलावा यहाँ पर 3 T's की मैं बात करूँगी, मतलब इन्होंने की है 3 T's, मैं ऐसे बोलती हूँ। तो यहाँ पर मास लेवल पे आपको मतलब अगर ये सारी चीज़ें अगर रोकनी है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करनी है इसके साथ साथ, तो आपको मैसिव लेवल पे हायरिंग करनी होगी, ठीक है। तो 3 T's में पहले हो गए टेस्टर्स की आपको रिक्रूटमेंट करना चाहिए, इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स, फिर आपको ट्रेसिंग यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसर्स जो है उनको हायर करना चाहिए। अभी ये सब चीज़ होगा तो हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा सहायता इसमें होगी, और पूरे ग्लोबली भी हमें टेस्टिंग किट्स की डिमांड है। तो एक तरह से जो बायोमेडिकल इंडस्ट्री है, ये जो हमारे बिजनेसेस हैं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और ज़्यादा फोकस करके ये जितने भी चीप टेस्टिंग किट्स हैं वो बना लें ताकि हम ग्लोबल सेक्टर में ये क्या कर सके, बन सके। तो यही चीज़ इसमें बोला गया था, Y2 की जैसे IT सेक्टर को बूस्ट मिला था उसी तरह से COVID-19 जो है बायोमेडिकल इंडस्ट्री को बूस्टअप दे। फिर यहाँ पे जो ये आर्टिकल है, लॉ एज वेपन, तो मिसयूज़ ऑफ एपिडेमिक, तो ये यही चीज़ बोला जा रहा है कि देखो 1897 के टाइम पे प्लेग आया था, ठीक है, तो वो भी पेंडेमिक में कन्वर्ट हुआ और जो ब्रिटिश सरकार थी वो उसको टैकल करने में इतनी सफल नहीं रही थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने अगेंस्ट में अपोज किया था इसका, तो उनको सिडिशन के तहत क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो अभी भी यही चीज़ हो रही है, अभी क्या हो रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के ये है यूपी के कांग्रेस के चीफ हैं अजय कुमार लल्लू हाँ सॉरी, तो इन्होंने मतलब जो फेक लिस्ट बोला कि जो बसेस हैं तो उसमें लिस्ट की मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं थी, बस नंबर की जो फर्जी लिस्ट थी, तो उसके मामले में इन पे क्या चलाया गया, जो लॉकडाउन का उल्लंघन है और एपिडेमिक एक्ट है तो इसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ठीक है। जबकि ये क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि जो लखनऊ जो गवर्नमेंट है मतलब उत्तर प्रदेश सरकार, तो वहाँ से उनको अप्रूवल मिल जाए कि बसेस वगैरह वो चला सके, लेकिन उनको वहीं लखनऊ पुलिस ने बाद में अरेस्ट कर लिया था, पहले वो जो राजस्थान पुलिस थी वहाँ उन्हें अरेस्ट किया गया था, है ना। तो यही चीज़ बोला गया है इसमें कि अभी ये सारे क्या हो रहे हैं कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, और इसके अलावा 144 सेक्शन ऑफ CRPC है, इसके अलावा एपिडेमिक्स एक्ट है, तो इन सब का एक तरह से टॉक्सिक मिक्स हो गया है, टॉक्सिक मिक्स करके ये कंबाइंडली इसको यूज़ कर रहे हैं और एक क्या बन गया, न्यू सेडिशन लॉ बन गया है, ठीक है, न्यू सेडिशन लॉ बन गया है। आपको सेडिशन पता होगा किस में दिया जाता है, 124A के तहत दिया जाता है, ठीक है, राजद्रोह का आपके मुकदमा चलता है। तो ये चीज़ बोली जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा इसका मिसयूज़ हो रहा है, जैसे पहले भी हुआ है कोलेरा स्वाइन फ्लू एंड
डेंगी में यूज़ हुआ है इसका, लेकिन अभी जो कोविड पेंडेमिक है इसमें नए तरीके से इसका मिसयूज़ हो रहा है। ठीक है, पहले यूज़ हुआ था, अब मिसयूज़ हो रहा है। तो यही चीज़ मैं बोलेगी, जर्नलिस्ट जैसे हिमाचल प्रदेश में भी था, तो वो जो स्टैंडर्ड लेबरर्स हैं तो उनकी प्रॉब्लम को हाईलाइट करके दिखा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये एपिडेमिक एक्ट के तहत उसको जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया, और ये बोला कि ये क्या है, मतलब रिपोर्ट्स इनकी फॉल्स है, ये सेंसेशनल न्यूज़ बना रहे हैं अपने आप से, तो ये रिपोर्ट्स और जो ये फ़ोटोज़ वगैरह है ये झूठी है ना, तो ये चीज़ इसका नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए कि जो लोग हैं उनको अपने ओपिनियंस वो इस क्राइसिस के टाइम पर दें विदाउट थ्रेट ऑफ देयर बींग क्रिमिनल चार्ज, है ना। तो यही चीज बोला है फुलर सपोर्ट में, तो यही बोला गया कि 1% ऑफ GDP ही था वो, रेदर देन 10% ऑफ GDP जो सरकार बोल रही थी उसको। और सरकार को मतलब ये करना चाहिए था कि जो भी असेसमेंट है, ठीक है, एक रियलिस्टिक असेसमेंट बना के तैयार करना चाहिए था कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म फिजिकल रोड मैप, जो एक हमें रियलिस्टिक असेसमेंट प्रोवाइड करता, और साथ में जो ये उनकी जो एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़ हैं वो बताते, या फिर एक क्लियर प्लान देते कि जो उनके जो डेफिसिट है वो उसकी कैसे भरपाई करेंगे। ठीक है, मास्क वॉल तो ऐसा कुछ खास नहीं है, ये बस जो ये बोला है कि काफ़ी सारे जो मास्क हैं वो अलग अलग प्रकार से प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। अब जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं जैसे शनल और गुची, तो ये सारे अरमानी, तो ये ऑनलाइन स्टोर्स में इनके मास्क दिख रहे हैं। शांटुंग सिल्क का चाइना यूज़ कर रहा है ना, तो मतलब मरो भी तो ब्रांडेड मास्क वगैरह पहन के। इन द वॉर अगेंस्ट द वायरस, तो में ये चीज़ बोली गई है कि जो गीता है, द गीता लाइक द उपनिषद इज़ नॉट अ मेयर रिलीजियस टेक्स्ट इन द कन्वेंशनल सेंस ऑफ द टर्म, इट इज़ एन डिफ्ट स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड प्रैक्टिकल गाइड टू एक्सप्लोरिंग इट डेप्थ्स। तो ये इसमें बोला गया था कि एक थॉमस बेविंगटन थे मैकले, हु इन 1835 इन्होंने इंडियंस के लिए बोला कि मतलब ठीक है, जो इंडियंस होंगे वो एक ऐसी क्लास होगी व्यक्तियों की कि जो जिनका जो ब्लड होगा एंड कलर से तो वो भारतीय होंगे, बट उनके टेस्ट में, उनके ओपिनियंस में, उनके मॉरल इंटेलेक्ट में इंग्लिश होगी। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने बोला है। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन जो था अपने रिलेटिव्स में मतलब लड़ाई करने से, काफ़ी ज़्यादा युद्ध करने से उन्होंने मना कर दिया था, तो उसके बाद एज अ अवतार जो कृष्ण थे, तो उन्होंने ही अर्जुन को प्रमोट किया कि नहीं ऐसा नहीं है, आप इविल्स के खिलाफ लड़ रहे हो तो आपको करना चाहिए, तो विक्टोरियस मतलब वो पांडवों की जीत हो गई थी इसमें। तो अभी यही चीज़ बोला है कि उस टाइम पर मतलब अर्जुन को नेम्ड किया गया था पहले चैप्टर में विषादा योगा, द योगा ऑफ अर्जुना डिप्रेशन, और अभी जो है अभी भी हम विषाद से गुजर रहे हैं, अ टाइम व्हेन मैनी आर डिप्रेस ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल एंड अनफेमिलियर डेंजर कॉल्ड द COVID-19 पैंडेमिक। तो अभी यही चीज़ हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है लॉकडाउन से परेशान हो गए हैं, तो हमें गीता से सीख लेनी चाहिए। गीता में मतलब जितने भी जैसे चैप्टर 5 है, तो उसमें योगा ऑफ मेडिटेशन, जिसमें मेडिटेशन की टेक्निक बताई गई है, मतलब मेन अगर गीता के वर्ड्स में बोलें तो ये लिखा हुआ है कि मेक योर माइंड योर फ्रेंड, कि अपने मस्तिष्क को ही अपना मित्र बना लो, तो ये हमें फिलॉसफी को अपनाना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ये केसेस सबसे ज़्यादा USA के बाद जो है रशिया दूसरे नंबर पे आ गया है, फिर बाकी के ब्राज़ील में तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी एक एक केसेस जो है अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम और दादर नगर हवेली में है, बाकी उत्तराखंड में भी 121-122 केसेस हो गए हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे सिंगापुर इश्यूज फर्स्ट डेथ सेंटेंस, तो उन्होंने मृत्युदंड दे दी है जूम ऐप वीडियो कॉल पे, तो इसके जो मानव अधिकार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा पैलेस्टाइन अथॉरिटी फ्री ऑफ ओस्लो पीस पैक्ट कमिटमेंट्स, तो ओस्लो पीस पैक्ट कमिटमेंट, तो जो फिलीपींस सॉरी पैलेस्टाइन है, तो पैलेस्टाइनियन ने मतलब सीधा सीधा बोल दिया है कि इट फ्री ऑफ इट्स कमिटमेंट्स अंडर द ओस्लो पीस प्रोसेस इंक्लूडिंग सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग्स दैट हैव प्रोटेक्टेड इजराइलीज एंड प्रिजर्व द अथॉरिटीज पॉलिटिकल होल्ड ओवर द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। ठीक है, तो मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ एक बार, वेस्ट बैंक की, और ये जो गाजा स्ट्रिप है इसकी, तो ये है वेस्ट बैंक एंड गाजा। ठीक है, तो ये वेस्ट बैंक जो है इसका जो मेन जो पॉपुलर बड़ा शहर है वो क्या है, रामल्ला।
ठीक है, और काफ़ी टाइम से मतलब यहाँ पे, पहले मैं ओस्लो पीस पैक्ट के बारे में ही बता देती हूँ कि 1990 के टाइम से ये शुरू हुआ था, और पहला जो एग्रीमेंट था वो 1993 में हुआ था, जिसके तहत इसराइल और फिलिस्तीन ने मतलब क्या किया था, एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता देने पे, और साथ में उन्होंने जो भी मतलब जो वायलेंट एक्टिविटीज़ है उस पर रोक लगा दी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1995 में फिर दूसरा ओस्लो पैक्ट भी हुआ, जिसमें वेस्ट बैंक के जो 6 सिटीज़ थी और 450 जो टाउन थे, तो वो इजरायली जो सैनिक थे उन्होंने क्या कर लिया, अपने एक्वायर कर लिए थे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर धीरे धीरे इसकी जो युद्ध होने लगता है और 6 डे वॉर चलता है, 1967 में जो पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में जो वॉर चलता है उसको 6 डे वॉर बोला जाता है। तो इस टाइम पे ही मतलब जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप्स हैं और गोलन हाइट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये सारे मतलब डिस्प्यूटेड एरिया ही रहते हैं, ठीक है। अब ये जो वेस्ट बैंक है, तो यहाँ पे इसको जो रामल्ला है, तो इसको वास्तविक राजधानी भी बोलते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बोलते हैं इसकी। 1967 में ही इसराइल ने इसको एक्वायर कर लिया था। गाजा स्ट्रिप जो है ये भी इसराइल और इजिप्ट के बीच में है, तो इसका भी एक्वायरमेंट इसने किया था, इन्वेजन। गोलन हाइट्स भी पता होना चाहिए आपको, गोलन हाइट्स जो है एक क्या है, वो स्ट्रेटेजिक प्लेटू है, इसराइल ने 1867 का जो जो वॉर हुआ था तो सीरिया से उसे छीन लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये भी आप मतलब देख सकते हो एक बार कि पैलेस्टीन लॉस्ट लैंड 1947 टू प्रेजेंट, ठीक है, ये सबसे पहले 1947 के टाइम पे ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप देख सकते हो, जब पार्टीशन प्लान आया था 1947 में इसराइल, फिर 1948 में इसराइल एक पूरी तरह से बन गया था, ठीक है, फिर 1967 में 6 डे वॉर चला था, फिर अभी ये इसराइल की टेरिटरी देख सकते हो अभी प्रेजेंट में, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पे ये बोली गई, डोंट नो वाई लॉकडाउन वॉज अनाउंस विद 4 आवर्स नोटिस, तो ये मेरे को भी मतलब ये सही नहीं लगा कि उन्होंने विदाउट एनी हिंट और लॉकडाउन कर लिया था। लॉकडाउन नीडेड टू बी एन अनाउंस विद 4 आवर्स नोटिस, दैट्स वॉट कॉज्ड अ लॉट ऑफ द इमीडिएट क्राइसिस फॉर मैनी माइग्रेंट वर्कर्स, बिकॉज देयर वॉज अ सर्टेन मास ऑफ पीपल हु वर ट्राई टू गेट ऑन ट्रेन्स एंड सो ऑन गो टू होम। तो ये थोड़ा सा करना चाहिए था, थोड़ा पहले ही प्रायर नोटिस दे देते तो इतना ज़्यादा मतलब माइग्रेंट क्राइसिस नहीं होता, लोग 2 दिन के अंदर एटलीस्ट अपना इधर उधर जहाँ करना था उन्हें जाना था वो चले जाते हैं ना। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।